लंबी लंबी कतार, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और वर्दी में पुलिस कर्मी। यह तस्वीर है गुजरात के हीरा नगरी की, जहां मजदूरों की खुशी संभाले नहीं संभल रही, क्योंकि करीबन एक महीने के लॉकडाउन के बाद अब इन प्रवासी मजदूरों को घर जाने का मौका मिल रहा है। सर, ये अच्छी व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से और सर की तरफ से कि हम लोग घर जा पा रहे हैं। अभी तक काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अभी सर के माध्यम से घर जा रहे हैं, इसलिए हम खुश हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से गुजरात के सूरत में आए इन मजदूरों ने पिछले एक महीने से क्या कुछ नहीं सहा है। कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के बाद ये सभी मजदूर अपने परिवार के पास जाना चाहते थे, अपने घर जाना चाहते थे, और अब जाकर प्रशासन की मंजूरी के बाद सूरत से 36 मजदूरों को लेकर एक बस यूपी के लिए रवाना हुई है। जिस बस में मजदूरों को भेजा जा रहा है उसको पूरी तरह सैनिटाइज भी किया गया है। इन मजदूरों को उत्तर प्रदेश भेजने के लिए नवसारी के सांसद सीआर पाटिल ने मुख्यमंत्री विजय रूपानी से मंजूरी ली थी। जैसे ही मजदूरों को वापस घर भेजने की मंजूरी मिली, बस सूरत और दक्षिण गुजरात के मजदूरों को लेकर रवाना हो गई। कई दिनों से लॉकडाउन की वजह से सूरत में यहाँ जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, वो इंडस्ट्री बंद होने की वजह से यहाँ पर रुक गए थे, और अभी और कुछ दिन लॉकडाउन चालू रहने की उम्मीद है, उसकी वजह से वो अपने वतन में जाना चाहते थे। हमने आदरणीय होम मिनिस्टर श्री अमित भाई शाह साहब से रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी साहब को बोलकर ये व्यवस्था हमारे लिए की है, और भी जो बस जाने वाली है उसका भी परमिशन मिल जाएगा, और उसके लिए भी अभी पूरे पहले बस के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं कि जल्दी से आज करीब 100 बस का परमिशन मिल जाए, उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। टीओ की ओर से जो मिला हुआ डिटेल है कि चेकलिस्ट मिला हुआ है, उसके अंदर जो उनको गाड़ी का आरसी बुक चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी चाहिए, जो लोग जाने वाले हैं वो कहाँ जाने वाले हैं, कौन से गाँव जाने वाले हैं, उनका मोबाइल नंबर चाहिए, उस गाड़ी का एक लीडर हो उसका नंबर अलग से देना पड़ता है, ये सब करके उसको देना पड़ता है, तो प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। सूरत से संवाददाता संजय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट।